तो आइए अब हम एक नया कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, विच इज वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर का कंसेप्ट समझने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज अ वोलेटाइल लिक्विड. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड इज वाटर. तो यहाँ पे हम वाटर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. तो अब आप देख सकते हैं आपके पास एक क्लोज कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है. नाउ सिंस वाटर इज वोलेटाइल इन नेचर, आपको पता ही है कि एट एनी गिवन टेम्परेचर उसके कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे और गैस फेज में चले जाएंगे. सो दीज मॉलिक्यूल्स इन गैस फेज ऑफ वाटर आर नोन एज वेपर्स. सो दीज वेपर मॉलिक्यूल्स दैट वी हैव, आप देख सकते हैं कि ये स्ट्राइक कर रहे हैं सराउंडिंग वॉल्स को कंटेनर की. और ये जो स्ट्राइक हो रहा है, यानी जो वो टकरा रहे हैं सराउंडिंग वॉल्स को, इसके कारण वो कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वॉल्स पे कंटेनर की. और इसी पर्टिकुलर प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं. सो नाउ व्हेन यू अंडरस्टूड व्हाट वेपर प्रेशर इज, आप ये कंसेप्ट किसी भी डिफरेंट वोलेटाइल लिक्विड पे अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन नोटिस कि जो लिक्विड जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसके उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे गैस फेज में, और उसके कारण उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा. नाउ अनदर थिंग दैट यू कैन नोटिस हियर, इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इवेपोरेट हो रहे हैं यानी गैस फेज में जा रहे हैं, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कंडेंस हो रहे हैं यानी वापस लिक्विड फेज में आ रहे हैं, वो बराबर है. इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है. और ये इक्विलिब्रियम हमारे लिए नेसेसरी इसीलिए है क्योंकि इसी इक्विलिब्रियम पे हम मेजर कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का क्या होगा. हालांकि वेपर प्रेशर हमेशा एग्जिस्ट करता है, टू मेजर वेपर प्रेशर हमें ये इक्विलिब्रियम कंडीशन ज़रूरी है. तो अभी हमने समझा कि वेपर प्रेशर क्या होता है. अब हम देखते हैं कि वेपर प्रेशर की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं. तो इसको पता करने के लिए एक हम लॉ डिफाइन करेंगे जिसको कहते हैं राउल्स लॉ. इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए लेट्स स्टार्ट विद अ सिचुएशन. इस सिचुएशन में हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है जिसमें एक सॉल्वेंट है एक और दो डिफरेंट सोल्यूट हैं. तो अगर हम यहाँ पर मान लें कि हमारे पास टोटल तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, जिसमें हम सॉल्वेंट को हम कॉम्पोनेंट वन बोलेंगे, जो सोल्यूट है उसको एक सोल्यूट को हमने कॉम्पोनेंट टू बोल दिया, और मान लीजिए तीसरे सोल्यूट को हम कॉम्पोनेंट थ्री बोल देते हैं. अगर ये तीनों ही वोलेटाइल है नेचर में, यानी तीनों के कारण कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर प्रेजेंट होगा, तो अगर ये हमारा सिचुएशन है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा. और ये टोटल वेपर प्रेशर हम निकाल सकते हैं राउल्स लॉ की मदद से. ये हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज जो राउल्स लॉ है वो स्टेट करता है कि एक एक कॉम्पोनेंट के कारण जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूशन में. यानी कि अगर हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर पता पड़ जाए तो हम इजीली टोटल वेपर प्रेशर भी निकाल सकते हैं. तो सिंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम हर कंपोनेंट के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के इसको इक्वालिटी के साथ लिख सकते हैं. हम क्या लिखते हैं कि फॉर ईच कॉम्पोनेंट, अगर हम कॉम्पोनेंट वन की बात करें तो जो पी वन है यानी पार्शियल प्रेशर फॉर कॉम्पोनेंट वन इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट पी वन नॉट मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन. तो ये कॉन्स्टेंट पी वन नॉट क्या है, ये कॉन्स्टेंट पी वन नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट. यानी कि इस सिचुएशन में अगर हम ये मान लें कि सिर्फ एक ही कॉम्पोनेंट प्रेजेंट था तो जो वेपर प्रेशर होता, यानी हम मान लें सिर्फ कॉम्पोनेंट वन प्रेजेंट है तो जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम पी वन नॉट बोलेंगे. तो अगर आपने ये चीज़ पी वन के कॉम्पोनेंट वन के लिए समझ ली है तो हम सिमिलरली कॉम्पोनेंट टू के लिए भी देख सकते हैं. हम कह सकते हैं कि जो पी टू है वो होगा पी टू नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी टू ऑफ 2 दैट इज x2. एंड सिमिलरली p3 भी हम देख सकते हैं कि वो होगा p3 नॉट इंटू x3. तो अगर आपने ये देख लिया, मतलब हमने पता कर लिए तीनों कॉम्पोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर्स. और अगर आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स याद है तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा यानी p टोटल, वो इन तीनों का सम होगा. यानी p टोटल हम यहाँ से निकाल सकते हैं विल बी p1 प्लस p2 प्लस p3. एंड यहाँ पे हमें मिल गया हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ आर सॉल्यूशन. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया. तो अब हम देखते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम राउल्स लॉ कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसे ग्राफिक के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन लूँ यानी जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, मान लीजिए ए और बी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट पी ए, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, विल बी पी ए नॉट एक्स ए, और सिमिलरली पी बी विल बी पी बी नॉट एक्स बी. तो आप टोटल वेपर प्रेशर भी इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, विच विल बी सम ऑफ बोथ ऑफ दीज एंड विल कम आउट टू बी पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी ए नॉट पी बी नॉट एक्स बी. अब यहाँ पे हमें ये पता है कि जो मोल फ्रैक्शन है
एक्स ए एंड एक्स बी, इन दोनों का सम वन होगा क्योंकि यही दो कॉम्पोनेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक्स ए को रिप्लेस कर दूँ एज वन माइनस एक्स बी, तो आई गेट एन इक्वेशन विच सेज दैट पी टोटल इज पी ए नॉट इंटू वन माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो इसी इक्वेशन को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे। तो यहाँ पे हमने ग्राफ लिया है जो कि मोल फ्रैक्शन है एक्स बी का एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर्स लिए हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि हम जा सकते हैं जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो है टू जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वन है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तब जीरो हो जाएगा। सो एट दिस इंस्टेंट अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि एक्स बी यहाँ पे जीरो है, विच मीन्स एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वन है, मतलब सिर्फ सॉल्यूशन में हमारा सिर्फ ए प्रेजेंट है। सो एट दिस पॉइंट हमारा जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट ए होगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट ए के बराबर होगा। नाउ अब इस सिचुएशन से जब अगर हम बी के कॉम्पोनेंट बढ़ाते जाते हैं, यानी उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो वेपर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है वो लीनियरली इंक्रीज करता जाएगा, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीनियरली डिक्रीज करता जाएगा। दिस विल रीच अ पॉइंट जब हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वन है, यानी सिर्फ प्योर कॉम्पोनेंट बी प्रेजेंट है हमारे सोल्यूशन में, विच मीन्स एट दैट पॉइंट हमारा पार्शियल हमारा जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो होगा पी बी नॉट। अगर आपने पार्शियल प्रेशर्स के लिए ग्राफ समझ लिया है तो आप इजीली देख सकते हैं कि इससे हम टोटल वेपर प्रेशर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम सिंपली हर पॉइंट पे इन दो ग्राफ्स को ऐड करते जाएं तो व्हाट वी विल गेट इज द रिजल्टेंट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब वो शुरू होगा पी ए नॉट से जब एक्स बी की वैल्यू जीरो है, एंड इट विल गो अप टू पी बी नॉट जब एक्स बी की वैल्यू वन है, जब प्योर कॉम्पोनेंट वन प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पी टोटल की वैल्यू होगी पी ए प्लस पी बी यहाँ से। तो आई होप आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ क्लियर है। अभी तक हमने राउल्स लॉ के वो केसेस देखे जिसमें जो हमारे सारे कॉम्पोनेंट्स थे एक सोल्यूशन के वो वोलाटाइल इन नेचर थे। अब अगर हम एक ऐसे सोल्यूशन की बात करें जिसमें जो हमारा सोल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है नेचर में, तो हम देखते हैं क्या होता है। तो इस केस में हम समझ सकते हैं कि सिंस हमारा सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है, मतलब वो बिल्कुल भी वेपर फेज में नहीं जाएगा, विच मीन्स अगर मेरे पास सिर्फ सोल्यूट हो तो उसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। विच अगेन जिससे मैं ये समझ सकती हूँ कि जो हमारा पी बी नॉट है, अज्यूमिंग कि जो बी हमने रिप्रेजेंट किया है वो सोल्यूट के लिए है, तो हम कह सकते हैं पी बी नॉट की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर होगी। अगर मैं ये देख चुकी हूँ तो मैं टोटल वेपर प्रेशर भी देख सकती हूँ कि क्या वैल्यू आएगी। हमने देखा था टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के बराबर होता है। देयरफॉर यहाँ पे पी बी नॉट तो हमने देखा कि जीरो हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो पी ए नॉट एक्स ए के ही बराबर होगा, विच कैन वी कैन अगेन राइट एस दैट टोटल प्रेशर बराबर होगा पी ए के। अगर आपको ये समझ गया है तो अब हम देखते हैं ये एक्चुअली हुआ कैसे। हमने इक्वेशन से तो देख लिया, हम इसका फिजिकल इम्प्लीकेशन भी देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है। वो देखने के लिए हम देख सकते हैं हमारे पास एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में जो हमारा सोल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है। तो क्योंकि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पूरे ही सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब अगर हम सिर्फ सरफेस पे ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूट के भी हैं। तो अब जो हमारा सॉल्वेंट पहले जो हमारे केस में प्योर सॉल्वेंट होता, तो उसके पास यहाँ पे हमारे पास सारे मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के होते और वो ईजिली वेपर फेज में जा पाते। बट क्योंकि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं सरफेस पे, द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो वेपर फेज में जा पाएंगे वो कम हो जाएंगे, और इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वेपर प्रेशर है टोटल वो डिक्रीज हो जाएगा उस केस से जो हमारा अगर यहाँ पे पूरा सॉल्वेंट या कोई वोलाटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होता उस केस से। तो यहाँ पे भी हमने यही देखा था कि पी टी जो है वो पी ए के बराबर है, विच मीन्स सिंस एक्स ए की वैल्यू जो है जीरो से वन के बीच में ही हो सकती है, सो द मैक्सिमम वेपर प्रेशर दैट वी कैन रीच इस पी नॉट ए या फिर उससे कम ही रहेगा। इसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं, तो मैंने जो अभी आपको बताया वो सिंपल हम ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हैं। मैं अगर एक ग्राफ लूँ जो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में है, तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं वेरी करूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से के जीरो से लेके वन तक, तो मैं ग्राफ क्या देखती हूँ कि जब सिर्फ हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो जो वेपर प्रेशर है वो पी ए नॉट के बराबर होगा, और जब हमारे पास सिर्फ सॉल्यूट प्रेजेंट है, विच मीन्स जो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है हमारा, तो हमारा वेपर प्रेशर जीरो हो जाएगा बिकॉज वो नॉन वोलाटाइल है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा,
और ये ग्राफ जो है वो पीए और पीटी के लिए सेम होगा, बिकॉज हमने अभी देखा कि दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो आई होप हम आप क्लियर हैं कि हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए रॉल्स लॉ से कैसे डील कर सकते हैं।